our fourth lesson. The name of the lesson is The Enemy, written by Pearl S. Buck. ठीक है, लेसन का नाम जो है द एनेमी है, ठीक है, और किसके द्वारा लिखा हुआ है? पर्ल एस बक के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। और इस लेसन में जो है मेन कैरेक्टर कौन है? डॉक्टर सरदाव है। कौन है? डॉक्टर सरदाव, ठीक है। और ये डॉक्टर सरदाव जो है, इसका जो हाउस है इट वॉज लोकेटेड नियर द सी, ठीक है। और वहां पर जो है एक दिन टहलते टहलते जो है इसे एक कोई व्यक्ति दिखाई देता है नियर द सी, कोई पड़ा हुआ है। इस व्यक्ति की स्टिल कटिंग, ठीक है, और तभी जो है उस व्यक्ति को जो है उठाता है और वो ले आता है, ठीक है। उसने जो एक सोल्जर की ड्रेस डाली हुई थी एंड ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर, ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर, ठीक है। अब जो है क्या था भाई, जापान और अमेरिका जो थे दोनों जो है आमने सामने थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। ये दोनों क्या थे? आमने सामने थे, ठीक है। तो भाई इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। अब जो डॉक्टर सदाओ जो था वो दोनों की स्थिति में था कि वो स्टार्ट टू वेदर ही शुड टेक हिम विद हिम एट दिस होम और नॉट, मतलब भाई अब उसे उनकी दुश्मन था, ठीक है, उसने उसको जान बचानी नहीं चाहिए थी। तो वो अब जो है एज ए डॉक्टर अपनी ड्यूटी को याद करता है, हालांकि देश का नागरिक होने के नाते भी ड्यूटी को भी देखिए। तो डॉक्टर जो है अब एज ए डॉक्टर जो है उसको तो अपनी ड्यूटी नजर आती है। एज ए डॉक्टर जो उसको क्या ट्रेन किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को जो है उसे मरते हुए क्या करना है? बचाना है। मरते हुए क्या करना है? बचाना है, चाहे वो दुश्मन है, ठीक है। लेकिन एज ए डॉक्टर उसकी ड्यूटी थी उसे जो है उस व्यक्ति को क्या करना था? सेव करना था, बचाना था, ठीक है। क्या करना था? सेव करना था, बचाना था, ठीक है। अब ये जो है सताओ जो इस सोल्जर को अपने घर ले आता है, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट करता है। और जब इसके जो गार्डनर थे, ठीक है, इसके जो बगीचे में काम कर रहे थे नौकर थे, तो भाग जाते हैं डरते हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई जापानी सोल्जर्स आएंगे सताओ उसकी वाइफ को पकड़कर ले जाएंगे। लेकिन इसकी वाइफ माना जो है इसे मदद करती है और दोनों जो है इसका क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं एंड दे वर एबल टू सेव, बचाने में कामयाब हो जाते हैं। तब सताओ के दिमाग में आता है कि मैं इसका करना क्या है, क्योंकि डर तो लग रहा था, एक सैनिक को रख रहे थे, दुश्मन को घर पे रख रहे थे, तो दिक्कत हो सकती थी। तो इसलिए जो सताओ को डिसीजन लेना था कि इसे घर रखना है या फिर छोड़ देना है। अगर आर्मी को सौंप देगा उसका सारा काम क्या है? रिस जाएगा, क्योंकि आर्मी को बढ़ती से क्या कर देगी? मार देगी, ठीक है। तो इसलिए जो है सदाव जो है एक आइडिया लगाता है, एक विचार उसके मन में आता है, एक शिप लाता है और उसको जो है समुद्र के रास्ते वापस भेज देता है। और इस तरह से जो है डॉक्टर सदाव जो इस शोध को क्या कर लेता है? बचा लेता है, ठीक है। हम जो है लेसन की समरी करेंगे, ठीक है, बिकॉज So the video to complete this lesson is not an easy task, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पाते हैं इतनी जल्दी से, इसलिए हमें जो है थ्रो द स्टोरी थ्रो अ समरी हम ये लेसन जो है हमें ये लेसन कंप्लीट करने होंगे। दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव, ठीक है। इट इज द स्टोरी ऑफ अ जापानीज डॉक्टर नेम सताओ, ठीक है, एक डॉक्टर की कहानी है जिसका नाम क्या है? सताओ। He lives with his wife and two children in his house built on the narrow beach near the sea। कहाँ रहता था भाई? अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जो है एक छोटा सा नैरो बीच था समुद्र का वहां पर। Two servants also lived with them in the house। और उनके साथ जो कौन रहते थे? दो सर्वेंट भी रहते थे घर पर, ठीक है। One is the maid who looks after the children, एक तो maid servant थी, ठीक है, जो बच्चों की देखभाल करती थी। The other is an old gardener, एक बड़ा gardener था, ठीक है। One day, Sadao finds a man who has been flung out by the ocean. एक दिन जो है, उसको एक व्यक्ति मिलता है, जो समुद्र की लहरों के द्वारा फेंक दिया जाता है, यहाँ पर किनारे, ठीक है। He has a great
सताओ टेक्स द मैन इनटू हिज हाउस, सताओ जो उसको घर ले आता है, टू हिज सरप्राइज, उसकी हैरानी के लिए ही फाइंड्स दैट द मैन इज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार हु हैज एस्केप्ड। ठीक है, तो इसकी हैरानी जो है प्रॉब्लम क्या थी, ये जो अमेरिकन सोल्जर था ना वो प्रिजनर ऑफ वार था। क्या था? प्रिजनर ऑफ वार। प्रिजनर ऑफ वार क्या बोला जाता है? युद्ध बंदी। क्या बोला जाता है? युद्ध बंदी, यानी युद्ध के दौरान जो है किसी सैनिक को किसी दूसरे से दूसरे देश के सैनिक को क्या कर देना, पकड़ लेना, उसे क्या बोला जाता है? वॉर प्रिजनर बोला जाता है, युद्ध बंदी बोला जाता है। जिनेवा के अंदर एक ट्रीटी वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेटर जान पाएंगे। ठीक है, ठीक है। A war was going on between America and Japan, and thus it was a grave crime to give shelter to an enemy soldier. ठीक है, भाई अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो डॉक्टर सताओ के लिए सोल्जर को, अमेरिकन सोल्जर को अपने घर बना लेना बहुत बड़ा क्या था? क्राइम। ठीक है, so he thinks of putting the man back into the sea. अब वो सोचता है कि मैं इस व्यक्ति को वापस सी में छोड़ दे, but then he thinks of his duty as a doctor also. लेकिन उसके बाद में जो है वो एज ए डॉक्टर भी जो है अपनी ड्यूटी के बारे में सोचता है। ठीक है, he has been trained not to let a man die if he can't help it. ठीक है, इसलिए उसको जो है क्या ट्रेन किया जाता है एक डॉक्टर को, कि अगर किसी व्यक्ति को बचा सकता है उसे मरने देना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है, so he decided to operate and take the bullet out of the soldier's body. तो वो क्या लेना लेता है, इसको ऑपरेशन करेगा और बुलेट जो है उसकी बॉडी के अंदर वो निकाल देगा। ठीक है, his wife gives him all help in doing so. उसकी वाइफ जो है मदद करती है सब काम में। However, she considers the man as enemy all the time. हालांकि भाई वो जो है इस व्यक्ति को, इस सोल्जर को दुश्मन समझती है, सब सारा काम करते हैं वो। ठीक है, the two servants leave because they don't want to take the risk of what Sadao is doing. और उसके दो कितने नंबर थे? दो। दोनों छोड़ कर क्या है? भाग जाते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे जो काम सदाव कर रहा था। ठीक है, but Sadao wife stand by her husband in everything. लेकिन उसकी वाइफ जो है हर तरीके से उसका साथ देती है। सदाव keeps the man in his house for about 10 days until he is quite normal. और लगभग 10 दिन तक सदाव जो है हर रखता है जब तक कि वो नॉर्मल नहीं हो जाता। नाउ ही वांट्स टू गेट राइट ऑफ हिम समहाउ, अब उसे किसी तरह से छुटकारा पाना चाहता है। इफ ही हैंड्स इट ओवर टू द पुलिस, अगर वो पुलिस के हवाले कर देगा ही इज श्योर टू बी किल्ड। तो उसको क्या करते हैं पुलिस वाले? समहाउ डजंट वांट दैट द मैन ही हैज वर्क सो हार्ड टू क्योर शुड बी किल्ड। अब समहाउ ये नहीं चाहता था, इतनी मेहनत की है और इसको कोई भी क्या कर दे। ठीक है, so he adopts a course that would be the best under the circumstances. तो वो decide करता है कि लेना लेता है जो उन circumstances जो उन परिस्थिति में सबसे अच्छा था। He helps the man to escape in a boat. ठीक है, वो व्यक्ति जो है उसको एक बोट में जाने में क्या मदद करता है। Thus he gets right of the enemy without having him killed. और इस तरह से जो है उस व्यक्ति को, उस enemy को, उस दुश्मन को जो है बगैर मारे जो उससे छुटकारा पा लेता है। ठीक है, we can say that, कह सकते हैं कि डॉक्टर सताओ rises above the narrow prejudice and acts effectively to me try it. ठीक है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाई डॉक्टर सताओ ने जो है संकीर्ण सोच से prejudice, संकीर्ण सोच से उठकर जो है काम किया और एक व्यक्ति की जो है जान है बचाई। ठीक है, तो this is the lesson which has completed now. ठीक है, बहुत अच्छा लेसन है। ठीक है, ये मानवता को दिखाता है। ठीक है, ये डॉक्टर सताओ ने जो काम किया था, ठीक है, वो इनकी मानवता को दिखाता है। ठीक है, और ऐसे एक्ट ऐसे काम हमें करने चाहिए। ठीक है, एंड वी शुड हेल्प टू एज अदर। दिस इज द लेसन, दिस इज द स्टोरी, दिस इज द समरी ऑफ दिस लेसन। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन सेंड मी डायरेक्टली थ्रू व्हाट्सएप। I will try my level best to solve your problem.
till then we will complete this lesson through this method. क्योंकि एक लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ समरी के माध्यम से ही हम लेसन्स को कंप्लीट कर सकते हैं. तो दिस आई थिंक दिस इज द राइट वे टू कंप्लीट दिस लेसन. हां, पहला लेसन मैं आपको पहले ही भेज चुका था, सेंड कर चुका था. इसका सेकंड और थर्ड लेसन हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द